फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इन फ्रंट ऑफ ट्रेकियम, बिलो द थायराइड ग्लैंड। सो ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के नीचे बिलो ये प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड, एंड ट्रेकिया यानी विंड पाइप के फ्रंट में प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड। इसका जो वेट है वो 10 to 15 grams होता है। 10 to 15 grams इसका वेट है, प्लस इसका जो साइज है वो वेरी करता है। प्यूबर्टी से पहले इसका साइज जो है स्मॉल होता है। प्यूबर्टी पर इसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड मेनोपॉज के बाद या ओल्ड एज में इसका साइज दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। थाइमस ग्लैंड के टू फंक्शंस हैं, एंडोक्राइन फंक्शन एंड लिम्फोइड फंक्शन। सो बेसिकली जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारा इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। कैसे करता है? सो एंडोक्राइन फंक्शन मींस ये हार्मोन सिक्रीट करता है। सो टू हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमोसिन एंड थाइमिन। थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? एक्सेलरेट लिम्फोपोइसिस। ये लिम्फोपोइसिस में हेल्प करता है। लिम्फोपोइसिस क्या होता है? लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन। WBCs वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है तो उससे फाइट करते हैं। सो वाइट ब्लड सेल के ये टाइप है लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है थाइमोसिन, प्लस प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको प्रोलिफरेट करता है, मतलब उनके जो नंबर है उसको इंक्रीज करता है। थाइमिन का फंक्शन भी है, इसका नाम है थाइमोपोएटिन। थाइमिन का दूसरा नाम है थाइमोपोएटिन, मतलब ये भी जो है टी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लस थाइमिन का एक और फंक्शन है कि ये सप्रेस करता है न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। हमारी बॉडी में जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, नर्व्स और मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है उसको सप्रेस करता है बाय सप्रेसिंग द एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको ये सप्रेस करता है, एंड देन फर्दर न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को सप्रेस करता है। सो एंडोक्राइन फंक्शन थाइमस ग्लैंड के थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है और थाइमिन, ये दोनों हार्मोन बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन इसका लिम्फोइड फंक्शन क्या है? लिम्फोइड फंक्शन का मतलब है कि ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, डिफेंस में, डेवलप इम्यूनिटी। अब मैं आपको बता दूं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं यानी ल्यूकोसाइट्स, वो बोन मैरो में डेवलप होते हैं। सो फॉर्मेशन इनके बोन मैरो से स्टार्ट होती है। लिम्फोसाइट्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स का ही टाइप है, ये दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी फॉर बोन मैरो एंड टी फॉर थाइमस ग्लैंड। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं एंड मैच्योर होते हैं, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो फॉर्म यानी कि बनते तो बोन मैरो में हैं, लेकिन वो लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में जाकर टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। इट मीन्स लिम्फोसाइट्स प्रोसेस्ड इन बोन मैरो प्रोड्यूस ये बोन मैरो में हुए होते हैं, लेकिन आर प्रोसेस्ड इनटू टी लिम्फोसाइट्स इन थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में जाकर ये टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जो प्रॉपर मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ये थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। सो टी से मतलब थाइमस ग्लैंड।